हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स के बारे में जानेंगे टैक्स रेट लगाने की। तो पहली जो स्टाइल है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू पर। अब हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं, यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे। यहां पर आपको क्या करना है, F12 की प्रेस करनी है। ठीक है, इनेबल करना है। आप हर आइटम पर अलग अलग टैक्स रेट देंगे जबकि आप जीएसटी इनेबल कर चुके हैं पहले ही। अगर आपको जीएसटी इनेबल करना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पर जाकर टैली ERP 9 सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कैसे जीएसटी इनेबल किया जाता है, कैसे जीएसटी अप्लाई किया जा सकता है। तो जीएसटी तो हमने ऑलरेडी लगा रखा है, लेकिन हम हर आइटम पर अलग अलग रेट देना चाहते हैं। तो ये विंडो ओपन हो गई F12 की प्रेस करने के बाद। एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर देख सकते हैं अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स, इसको आपको यस कर देना। केवल वाई प्रेस कीजिए, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, यहां पर आ जाएंगे। ये देख सकते हैं ये जो बिल नंबर है हमने दिया हुआ है, यहां पे 1512 दिख रहा है आपको, 1512 दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट एंट्री करेंगे, देखेंगे यहां क्या आएगा। यहां पे 7000 नंबर का एक सप्लायर इनवॉइस नंबर हमने दे दिया। यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा लिया। स्टेट डालना कंपलसरी, परचेज अकाउंट आ गया। अब ये देख सकते हैं अपने आप ये टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल शो हो रही है। अगर वो ऑप्शन आपने इनेबल नहीं किया होता तो ये टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल शो नहीं करती। अब जो भी आप आइटम देने वाले हैं उस पर कितना परसेंट का टैक्स लगाएंगे ये बात कर रहा है ये। तो पी प्रेस करता हूं, ये देखिए तमाम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन खुल गए हैं। अब इनके बारे में किसी दिन बढ़िया से डिटेल में बात करेंगे। अभी आज की ये वीडियो टैक्स के तरीके को लेकर के है कि किन तरीकों से हम टैक्स लगा सकते हैं। तो आपको यहां पे सिर्फ परचेज टैक्सेबल कर देना है। तो मैं को सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां से सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस करता हूं। यहां पे कह रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो मान लीजिए कि जो भी आइटम हम परचेज करेंगे उस पे 18% का टैक्स लगा, तो 9% के हिसाब से डिवाइड हो गया। अगर सेस लगता हो तो आप लगा सकते हैं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, पाइथन की बुक परचेज कर रहा हूं। ठीक है, 9 पीसेज ऑलरेडी हमारे पास है, एक पीस और परचेज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बुक जो है 2000 रुपए की है। ठीक है, हमने कितना टैक्स लगाया इस पे, जो भी लगाया आपने देखा ना। अब यहां पर टैक्स जो लगाया उसको मैं दिखा देता हूं। अल्ट ए प्रेस करता हूं, फिर अल्ट F1 प्रेस करता हूं। तो ये देखिए कुल मिलाकर 18% का हमने टैक्स लगाया इस पे, ये देख सकते हैं ना, 180 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ है। सेम स्टेट की बात है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अदरवाइज आईजीएसटी ही लग जाता 18% का। बाहर आ जाइए, यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर पहले से क्रिएटेड है हमारे पास, तो सीजीएसटी लगा दिया, 180 रुपए आ गया। वही चीजें यहां पे शो होने लगेंगी बिल पर आपके। एसजीएसटी लगा दिया, ये भी आ गया। अब इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं न्यू रेफरेंस करके, ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, दो बार डी प्रेस करते हैं। वही आपको याद है 1512 नंबर का जो बिल नंबर था वही हमने आपको बोला था, ये 1512 नंबर का बिल नंबर शो हो रहा है। आते हैं यहां पे, अब दूसरा आइटम मान लीजिए कि जावा की बुक हमें परचेस करनी है। तो यहां पे अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, जावा बुक लगा दिया, एंटर प्रेस किया। और यहां पर क्या करना है, एनओएस रख देना है। देखिए ये यूनिट बना रखा है हमने एनओएस, तो ये एनओएस कर देता हूं। ठीक है, पीसेस भी कर सकते हैं। एंटर प्रेस करता हूं, एक्सेप्ट करा लेता हूं इसको, ये एक्सेप्ट करा लिया। अब यहां पर एक ही पीस जावा की बुक खरीद रहे हैं और एक जावा की बुक की कीमत है मान लीजिए 1200 रुपए। ठीक है, ये डाल दिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर जावा के बुक का डिटेल देखते हैं, अल्ट F1 प्रेस करता हूं। तो ये देखिए जावा पर के बुक पे कितना टैक्स लगा है, 99% के हिसाब से ही लगा है। तो जब भी ये तरीका आजमाएंगे आप तो सेम टैक्स रेट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कराते हैं, सेम एंट्री में आएंगे, वाई प्रेस करता हूं ताकि एक्सेप्ट हो जाए। सेम एंट्री में फिर वापस आते हैं, एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर अब हम क्या करेंगे, एक नया स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूं, नया स्टॉक आइटम बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर डेल्फी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी है, बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है लेकिन डेल्फी की बुक हम परचेस कर रहे हैं। ठीक है, परचेस करें, ये प्राइमरी रख लिया हमने। यहां पे पीसेस कर लेता हूं इस बार मैं, ये ले लिया। अब यहां पर क्या करता हूं, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर देता हूं, वाई प्रेस करता हूं, ये यस हो जाएगा।
यहां पे लिख देता हूं डेल्फी, चूंकि ये डेल्फी की ही बुक है तो ये लिख दिया हमने। यहां पर आ गए, अब ये ऑन वैल्यू रखना है आपको। ऑन आइटम रेट के बारे में अभी बात करते हैं, अगर इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा तो नेल रेटेड कर देंगे, ठीक है। जीएसटी लॉ के बाहर रखा गया है तो एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल, अगर टैक्स लगता है तो टैक्सेबल, तो टैक्सेबल कर देना है फिलहाल हमें। यहां पर इस पर टैक्स लगा रहा हूं मैं 21% का, ठीक है, ये लगा दिया। साढ़े दस के हिसाब से डिवाइड हो गया, एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस कर दिया। ये देखिए ये डेल्फी की बुक, अभी एक बुक है, इसकी कीमत है 1000 रुपए, ठीक है। अब इस पे टैक्स रेट देख लेते हैं, अल्ट के साथ ए प्रेस करता हूं फिर अल्ट के साथ F1 प्रेस करता हूं, तो ये डेल्फी की बुक पर साढ़े दस के हिसाब से 21% का टैक्स लग गया है, देख सकते हैं आप, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करता हूं, इसको एक्सेप्ट कराने के लिए वाई प्रेस कर देता हूं, ये हो गया। चलिए वापिस आते हैं सीधा यहां पर, एंटर प्रेस करता हूं। अब यहां पर एक और स्टॉक आइटम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तरीका वही सेम है, ठीक है। अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहां पर स्टॉक आइटम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए इस बार हम बात करेंगे जे क्वेरी की बुक की, ठीक है, जे क्वेरी, ये लिख दिया, एंटर प्रेस किया, यहां पे कर लेता हूं पीसेस, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। यहां पर चूंकि जे क्वेरी है तो यहां लिख देता हूं जे क्वेरी, ओके, एचएसएन कोड आप डाल लीजिएगा। यहां पर अब क्या करूंगा, ऑन आइटम रेट रखूंगा, ऑन आइटम रेट रख दिया। अब ये देखिए ये बॉक्स ओपन हो जाएगा ऑन आइटम रेट रखने के साथ साथ। मान लीजिए कि अगर बुक की कीमत 0 से लेकर 200 रुपए तक हो, यहां पे देखिए 0 है फिर यहां 200 रुपए तक कर रहा हूं, तो ये टैक्स के कैटेगरी में नहीं आएगी, इस पे टैक्स 0% का लगेगा, नेल रेटेड हो गया। 200 से लेकर मतलब 199 रुपए तक, 200 रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 200 से लेकर उससे ज्यादा का हो, जैसे मान लीजिए 200 से लेकर अगर 1000 रुपए की बात हो तो उस पर टैक्स लगेगा, कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा, 5% लगा दिया। अब देखिए 1000 से लेकर 2000 के बीच की अगर बुक होगी उस पे मैं सीधा सीधा लगा देता हूं 28% का टैक्स लगा दिया। तो ये देखिए यहां पे 14% के हिसाब से डिवाइड हो गया। और अब अगर 2000 से ऊपर की भी बुक होगी तो हम लगा देंगे यहां पे 28% ही, ठीक है, ये लगा दिया, एंटरप्रेस किया। अब इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं, करा लिया, एंटरप्रेस किया, एक ही पीस परचेस कर रहे हैं और एक बुक की कीमत है 2000 रुपए, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब इस पे टैक्स देखते हैं, अल्ट के साथ ए प्रेस करता हूं, अल्ट के साथ F1 प्रेस करता हूं, तो ये देख सकते हैं जे क्वेरी के बुक पर 14% का टैक्स लग चुका है, देख रहे हैं आप जे क्वेरी के बुक पे कितना टैक्स है, 14%, 14 यानी कुल मिलाकर 28% का टैक्स लगा। अभी हमने इसको एक्सेप्ट नहीं कराया, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, एंटरप्रेस किया, अब इसको एक्सेप्ट कराता हूं। यहां पर आ गए, अब एक और बुक ले लेते हैं एसटीएमएल की, एसटीएमएल कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया, यहां पर पीसेस रख लिया, एंटरप्रेस करते हैं और यहां पर ऑन आइटम रेट फिर से रख रहा हूं मैं, फिर आऊंगा यहां पे। अब देखिए अगर एसटीएमएल के बुक की कीमत 300 रुपए तक है तो इस पे जो है टैक्स नील रेटेड है, ठीक है, 300 से ज्यादा होगी तो इस पे टैक्स लगेगा 28%, ये लगा दिया हमने सीधे, ठीक है, एंटरप्रेस किया, इसको एक्सेप्ट करा लिया, एक्सेप्ट हो गया ये। अब यहां पर एक ही बुक एसटीएमएल की हम ले रहे हैं जिसकी कीमत कितनी है 200 रुपए। अब देखिए ये 200 यानी कि क्या ये टैक्स के कैटेगरी में आएगा, नहीं। अब इस पे देख लेते हैं, अल्ट के साथ ए प्रेस करता हूं फिर अल्ट के साथ F1 प्रेस करता हूं, देखिए इसमें एसटीएमएल नजर आ रहा है, ये है टैक्सेबल वैल्यू 200, क्या टैक्स रेट अप्लाई हुआ है इस पे, नहीं हुआ है, चलिए बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं, एसटीएमएल पे टैक्स रेट अप्लाई नहीं हुआ, चलिए अगर एचटीएमएल के बुक की कीमत, यहां पे देखिए ये एसटीएमएल है, इसी को ले लेता हूं, एक ही पीस लेता हूं, और एचटीएमएल के बुक की कीमत अगर 500 रुपए है तो इस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कितना टैक्स लगेगा, अल्ट साथ F1 प्रेस करते हैं और अब 5% वाले के हिसाब से देखिए ये टैक्स रेट अप्लाई हुआ है, ये देख सकते हैं, ये देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी 14% के हिसाब से यहां अप्लाई हुआ है, ये देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से काफी हद तक ये टैक्सेस लगाने के स्टाइल में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।